देश की आज़ादी के 74वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एडीजी जोन दावा शेरपा, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने जनपद वासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अधिकारियों ने मंडल एवं जनपद वासियों से अपील किया है कि कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत 2 गज की दूरी तथा मास्क का प्रयोग अवश्य करें और सुरक्षित रहें तथा अपने अपने घरों का पर ध्वजारोपण कर स्वतंत्रता दिवस का उल्लास मनाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन दावा शेरपा मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा। 15 अगस्त की इस वर्षगांठ पर मैं मंडल के सभी लोगों को, सभी वर्गों को, सभी समुदायों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इसके साथ साथ आह्वान करता हूं कि जिस त्याग, परिश्रम और बलिदान के साथ हमारे महान पुरुषों ने ये आज़ादी प्राप्त की थी, उसी संकल्प को पुनः दोहराते हुए, उस प्रण और प्रतिज्ञा को पुनः दोहराते हुए आज हमें भारत और इस राज्य को और अधिक सुदृढ़ और समृद्ध बनाने की आवश्यकता है। राष्ट्र निर्माण में हम अपना योगदान देंगे। कोरोना संक्रमण के लिए जो भी नीति और निर्देश राज्य सरकार के आए हुए हैं, उनका अनुपालन करेंगे और राज्य को और सरकार को इस बीमारी के संक्रमण से बचाने हेतु जो अपना कर्तव्य है उसका पूरा पालन करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं, कामना करता हूं। सरकार और राज्य आपके साथ खड़ा हुआ है, इस राज्य को एक और अधिक सुदृढ़ और अधिक विकसित बनाने हेतु आप लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की मंगलमय कामना के साथ पुनः आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, इसमें मैं बार बार ये कह चुका हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश और अनुरोध रहा है कि हम लोग 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, उसका अनुपालन करें और उसका अनुपालन यदि नहीं होगा तो हम अपने जीवन के साथ साथ दूसरे लोगों का भी खतरा बन रहे हैं। ये हमारा दायित्व होता है कि हमारे जो वयस्क वर्ग के लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनका स्वास्थ्य का ध्यान हम रखें और जब हम मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो हम उनके जीवन का भी बहुत बड़ा खतरा बन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये संक्रमण नाक और मुंह से फैलता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मास्क आप सही तरीके से लगाएं। मास्क लगाना ही नहीं है, सही तरीके से लगाना है। नाक के ऊपरी हिस्से से आप देखें जैसा कि लगाया हुआ है, से लेके यहाँ तक लगाना, जिससे कि आपके मास्क से और ढीला ना हो, जैसे कि आपके मास्क के ऊपर से या नीचे से कोई भी बिंदु या कोई भी विषाणु जो है वो संक्रमित ना हो सके। इसके बाद इसको पीछे से उतारना है और इसका अग्रभाग बिल्कुल नहीं छूना है। बहुत जगह देखा जाता है कि इसको बार बार लोग टच करते हैं। ये पूरा एक बार आपने लगा लिया, ये संक्रमित पोर्शन होता है, इसी पर सारे वायरस आके रुकते हैं। इसको टच नहीं करना है, इसको यहाँ से हटा के इसको फेंक देना, जो भी डिस्पोज ऑफ करना है जला देना है, लेकिन यहाँ पर बार बार ना छुएं। इसको गर्दन पर आप लटकाएंगे, वायरस यहाँ पर चिपक जाएगा और उसके बाद आपको नुकसान करेगा। इसलिए मेरा अनुरोध पुनश्च आपसे ये है कि 2 मीटर की दूरी रखें, मास्क जरूर लगाएं और मास्क आप सही तरीके से लगाएं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रखें, यही मेरा अनुरोध है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका अनुपालन करके हम लोग को सहयोग प्रदान करेंगे और हम लोग संक्रमण से आप लोगों को और सभी लोगों को बचाने में सफल होंगे। और आगामी कल देश ने स्वतंत्रता दिवस भव्य रूप से मनाए जाने का प्रथा रही है। इस अवसर पर मैं सभी हमारे जोन के सभी लोगों को, अपने पुलिस परिवार को शुभकामनाएं देता हूं और आगे इससे लोगों में आपस में भेदभाव कम हो, आपस में मिलजुल के रहने के लिए प्रेरणा मिले, ऐसी कामना है। 15 अगस्त को सभी का हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपसे अपील करता हूं, देखिए हम इसी बीच में हम तो आज़ादी मना रहे हैं, यानी आज आज़ाद दिवस मना रहे हैं कोरोना के बीच में। हम यही अपील करने चाहते हो, 3 मूल मंत्र कभी भी मत भूल जाइए।
मास्क, बिना मास्क घर से बाहर मत निकलना है, 2 गज का दूरी है और हाथ बार बार धोना है, ये कतई मत भूल जाइएगा। हमारा आज़ादी हमारा देश के केवल बचाव का नहीं है, हमारा साथी के बचाव का भी काम में आना चाहिए था। और सबसे अपील करता हूँ, कोई आपका साथी लोग, जो भी आपका रिश्तेदार हो और आप तो पड़ोसी हो, मुसीबत में है, कोरोना से भेदभाव मत करिएगा। उपचार कराना तो उनको जल्दी अस्पताल में आ करके उपचार करवाओ। सबसे पहले तो आज़ादी के इस पर्व पर, स्वतंत्रता दिवस की, मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और आज इसी संबंध में और आने वाले समय के संबंध में एक शांति व्यवस्था की मीटिंग ली गई हमारे और डीएम द्वारा, जिसमें आगे हमी आने वाले सभी त्योहारों के लिए जो कोरोना गाइडलाइन है उसके तहत ही पालन करते हुए मनाए जाने की सभी से अपील की गई है। और पुलिस की तरफ से भी हम लगातार सतर्क हैं, हर तरह से हमने सतर्कता बना करके रखी हुई है। लोगों से यही गुजारिश है, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और कोरोना गाइडलाइन के तहत दो गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसी थीम पर हम अपने सारे काम करें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी करें, त्यौहार भी मनाएं, अपने घरों में रह के मनाएं, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होने दिए जाएंगे। और इसके लिए शासन और प्रशासन की गाइडलाइन आ गई है और उसी के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी यदि कोई कानून अपने हाथ में लेगा। नए लोगों से यही अनुरोध है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, कोरोना से बचाव में हर तरह की जो भी गाइडलाइन उनको अच्छी तरह से फॉलो करें, सामाजिक दूरी, मास्क और अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलना और अपनी सेहत का ख्याल रखें सब लोग। देखिए, स्वतंत्रता दिवस तो आज़ादी और उल्लास का ये हम लोगों का त्यौहार है और ये आज़ादी हम लोगों के कल ये 73 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो इस अवसर पर परंपरागत तरीके से हम लोग हर वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस का भली भांति उल्लासपूर्ण माहौल में सेलिब्रेट करते हैं। इस अवसर पर गोरखपुर के समस्त वासियों से उनको हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ इस कोरोना काल में जो अपेक्षाएं हैं, जो गाइडलाइंस है, उसके तहत जो सावधानियां की अपेक्षा की गई हैं, उन सावधानियां का भी अपना ध्यान रखें। और इस संबंध में ऊपर से गाइडलाइंस भी आए हैं। बाकी कोरोना काल में रहते हुए बहुत ढेर सारे त्यौहार के संबंध में कैसे क्या अंकुश भी रही हैं, अपने घरों में लोगों को त्यौहार मनाने के लिए कहा गया था। तो ऐसे इसी तरह से आज़ादी दिवस में भी अपना आज़ादी अपने घर में रह करके अपना सावधानी पूर्वक इस त्यौहार को मनाएं, यही अपील है। स्वतंत्रता दिवस पे मेरी तरफ से सभी जनपदवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और इसमें अतिरिक्त बात ये कहनी है कि कोविड का काल है तो कोविड विषय जो भी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए सभी जनपदवासी और उनके परिजन स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। स्वतंत्रता दिवस पे मेरी तरफ से गोरखपुर की जनता और समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे ये अपील है कि जो ये वैश्विक महामारी है इसमें कम से कम बाहर निकलें और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हाथ साफ करना, उस चीज़ को फॉलो करें जिससे कि इस महामारी से जल्दी ही हम लोग उभर पाएँ। देखिए, सभी गोरखपुर वासियों को, सभी देशवासियों को मेरी तरह से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार चूँकि कोरोना की महामारी फैली हुई है तो यथासंभव अपने घर में रह के ही इस हर्षोल्लास के त्यौहार को मनाएं और अपने घर में रह के ही कोई भी आयोजन करें, यथासंभव घर से बाहर ना निकलें और यदि बहुत आवश्यक हो तो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करते हुए और मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए ही अपने घर से बाहर निकलें। और एक बार फिर से सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं।